मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के बांद्रा में गुरुवार देर रात हुए कार हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 2 की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। सभी को नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हादसा बांद्रा वर्ली सी लिंक से 100 मीटर की दूरी पर हुआ है, जहाँ एक तेज रफ्तार कार ने 6 गाड़ियों को ज़बरदस्त टक्कर मार दी। तेज़ रफ्तार इनोवा कार रात करीब 10:15 बजे के आसपास वर्ली से बांद्रा की ओर जा रही थी। ओवर स्पीड कार सीलिंग पर बने टोल प्लाजा से 100 मीटर पहले वहां खड़ी दूसरी गाड़ियों से टकरा गई। कार के ड्राइवर को हिरासत में लेकर मामले की जांच की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेज़ रफ्तार कार के ड्राइवर ने सीलिंग पर एक दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। इसके बाद उसने पकड़े जाने से बचने के लिए कार की स्पीड और तेज करने की कोशिश की, जिससे 6 कार आपस में टकरा गई। मुंबई पुलिस ने बताया है कि हादसे में आरोपी कार ड्राइवर को भी चोट आई है और उसकी गाड़ी भी जब्त कर ली गई है।